हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं शिखर संतोष जी की। ये इंटरव्यू कुछ दिनों पहले मैंने उनके साथ किया था। शिखर संतोष जी इसके पहले पवनदीप और अरुणिता, इन दोनों के साथ सॉन्ग्स लेकर आ चुके हैं। हाल ही में उन्होंने अरुणिता के साथ उनका पहला हॉलीवुड प्रोजेक्ट जो है अरुणिता का, वो रिकॉर्ड किया था। उससे जुड़ी हुई जो खबर थी वो तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। चलिए अब दूसरी बातें हम शिखर जी से जो मैं करके आई हूँ मैं आपको वो दिखा देती हूँ, जहाँ पर हम अरुणिता के बारे में बहुत सारी बातचीत कर रहे थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अच्छा हूँ। अच्छा, बताइए कि एक बार फिर से अरुणिता के साथ काम करने का जो लोगों को खुशी दे रहा है ऐसी बात आपने कर दी है, हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा लग रहा है। उनके साथ काम करने का मुझे मन था। इससे पहले नेपाली गाना किया था, वो भी अच्छा गया। उसके बाद एक हिंदी में करते हैं ऐसा मन में था। उनके साथ हिंदी करना भी मुझे सोच रहा था, जो पूरा हुआ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो किस तरीके का गाना है, किस तरीके की फिल्म है, थोड़ा उस बारे में बताएं। ये इंग्लिश मूवी है और फ्रेंच भाषा में भी डब होगा। काफी सारे लैंग्वेज में डब हो रहा है, हिंदी में भी डब करेंगे वो लोग। वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रहा है और मूवी थोड़ा हॉरर टाइप की मूवी है। हॉरर मीन्स उस टाइप की मूवी है और वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रहा है। उधर का भी एक्टर है, मुझे लगता है बॉलीवुड से एक दो एक्टर हैं। ओके, लवली। तो ऐसे में हॉलीवुड में जब अरुणिता की आवाज पहुंच रही तो लोग बड़े एक्साइटेड हैं। कई रिएक्शन मिला, अरुणिता ने क्या कहा? उनको भी अच्छा ही लगा होगा। जब हम साथ में कुछ इंटरव्यू कर रहे थे तो बोल रही थी, बहुत अच्छा लगा सर, आपने मुझे याद किया, बहुत ही अच्छा लगा, गाना भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उन्होंने काफी जल्दी भी गाया वो गाना। तो किस मूड का गाना है और अरुणिता ने कितना समय लिया उसे प्रिपेयर करके रिकॉर्ड करने में? जी, मैंने गाना तो पहले ही भेजा था, बहुत पहले भेजा था। पापुंदा ने गा चुके थे ये गाना। उसके बाद मैंने जो उन्होंने गाए वही उनको भेजा था। तो उन्होंने मुझे लगता है प्रैक्टिस करके आई थी तो जल्दी रिकॉर्ड किया। मुझे लगता है 2 आवर्स में हो गया गाना। अरे बापरे जी। अच्छा, तो ये गाना जब रिकॉर्ड आप कर रहे थे तब संभव हो ये रहा था कि पवनदीप का देहरादून में शो चल रहा था और एक्सपेक्टेशन सारे फैंस की ये थी कि वो वहाँ होंगे, लेकिन आपने यहाँ बुला लिया। तो पवनदीप के बारे में कुछ बात हुई क्या, उनके लिए कोई गाना आप सोच रहे हैं? नहीं, पवनदीप जी के मैं अभी गाना कर रहा हूँ, बहुत जल्दी कर रहा हूँ। एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, शायद प्रोड्यूसर इधर के ही हैं, अच्छा स्टार कास्ट भी अच्छा रख रहे हैं वो लोग। जस्ट नाम तो नहीं रखा है, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले डायलॉग में कुछ काम चल रहा है। जैसे होता है पवन जी के साथ और अरुणिता जी के साथ तो मुझे हरदम काम करना है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग का आवाज का तो मैं दीवाना हूँ, तो इसीलिए वो लोग के साथ हरदम करना है, एक टीम बना के चलना है। आप की लाइफ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है लता जी के साथ गाना। हमारे देश की अगर ऐसे बात कहें, हमारे देश की कोकिला को आप अपने देश में लेकर गए थे, कैसे याद आती है लता जी अब आपको? दीदी तो दीदी है अभी, दीदी ने जो भी कंपोजर के लिए गाना गाया, अभी हम लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि दीदी की वजह से हम लोग का नाम हुआ, मेरा नाम हुआ। मैं जितना मैंने स्ट्रगल किया था, तो आप सोचिए कि अभी दीदी को गाना गवा चुका हूँ, है ना, दीदी का एक आशीर्वाद मुझे मिला और वो गाना करने के बाद भी गाना अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, सब लोग ने पसंद किया, गाना अभी भी बजता है। तो दीदी ने एक आशीर्वाद मुझे दे के गया, शायद दीदी को तो मैं वो कभी नहीं बोलते ना कि मैं चुका पाऊंगा वो चीज़। आज जो भी मैं हूँ वो दीदी की वजह से ही हूँ, दीदी की वजह से ही मुझे काम मिल रहा है। और दीदी को इससे ज़्यादा मैं क्या सोच सकता हूँ, जितनी बड़ी थी दीदी उतना ऐसा लगता था कि जब मैं दीदी को गाना सिखा रहा था तो मेरा हाथ कांप रहा था हारमोनियम में। तो दीदी ने बोला, नहीं नहीं आप मत घबराइए,
अब क्या है, अभी आपका गाना गा रहा हूँ, घबराने का कोई वो ही नहीं है। तो अभी क्या दीदी, क्या क्या बोल सकता हूँ अभी। बिल्कुल। और जब ये वाला गाना नेपाल में बजाया गया था, तब कैसे आपको रिएक्शंस मिलते थे? बहुत ज्यादा, बहुत, वो तो हंगामा हो गया था जब दीदी ने गाना, क्योंकि गाना करने के लिए भी 7 साल लगा, और मन में ऐसा होता था कि दीदी कब गा देगी, रात दिन नींद नहीं आता था, कभी फोन आएगा कब आएगा, ये गाना दीदी गा दिया तो मेरा भी जिंदगी बन जाएगा। ऑलरेडी इधर स्ट्रगल करता था, काम भी किया, स्ट्रगल मीन्स काम किया, बहुत काम किया, यहाँ पे भोजपुरी किया, मराठी किया, गुजराती में किया, हिंदी गाना बहुत गाना किया, बहुत स्टूडियो में काम किया, बहुत सारे सिंगर भी यहाँ पे जब स्ट्रगल करते हुए देखा हूँ, आज कहाँ पे हैं यहाँ के सिंगर लोग, पहले स्ट्रगल करते हुए देखा सिंगर, आज कहाँ पे कहाँ है, आसमान में वो लोग बोले, इतना नाम है, जब वो लोग का नाम ही नहीं था तब से मैं कितने लोग को जानता था। तो देखिए अभी मेरे जीवन में दीदी ने गा दिया, वही बड़ी बात है मेरे लिए। तो बाप रे जी, अभी वो गाना का तो क्या बात करें, वो तो अमर गाना है, अमर हो गया। जब तक बोलते हैं ना, जब तक आकाश में चांद और तारा रहेगा, आकाश ही बोलते हैं ना, आकाश आकाश, चांद और तारा रहेगा, तब तक शिखर संतोष का भी थोड़ा बहुत नाम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। दीदी ने गा दिया तो अभी इससे बड़ी बात किया, मैं अकेला संगीतकार भी हूँ नेपाल का, की जो मेरा गाना दीदी ने गाया। अब बात करते हैं अरुणिता की। अरुणिता को आपने क्या रियलिटी शो के टाइम सुना था या बाद में सुना था? नहीं नहीं नहीं, मैं आइडल में सुना था, 12 का था ना, 12 तो उसी में मैंने सुना था, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनका वॉइस जो है, और पवनदीप जी का तो अभी बात ही नहीं है। तो मैंने उसी टाइम में डिसाइड किया था कि नहीं, इनके साथ मैं गाना जरूर करूंगा। अरे बाप रे, तो भगवान ने साथ भी दिया, फिर गाना भी हुआ, गाना चला भी उधर, अच्छा हुआ। और अरुणिता की आवाज की ऐसी क्या खासियत लगती है जो एक म्यूजिक डायरेक्टर को पसंद आए? देखिए, उनका एक बंगाली हो कि भी, उनका जो डिक्शन जो है, वो जो उनका शुद्ध उच्चारण है, वो मुझे अजीब लगा सबसे पहली बात। अच्छा, क्योंकि वो जब इधर गाना गाई थी इससे पहले घामझाई भलेगी, ऐसा लग रहा था कोई नेपाली सिंगर गा रही है, वो टोन भी मैच कर रहा था उनको। हाँ, कि लग ही नहीं रहा था कि कोई यहाँ का सिंगर या कोई बंगाली टोन में टोन आएगा, ऐसा मैंने सोच रहा था जब मैं गाना लेके आया था, शायद टोन मैच करेगा नहीं, नेपाली सॉन्ग है, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि जब उन्होंने गाया तो ऐसा लग रहा था। मैं तो पूछा भी उनको कि आपका कोई दार्जिलिंग से, क्योंकि दार्जिलिंग नजदीक है वहाँ से, कलकत्ता से, तो आपका कोई रिलेटिव है क्या? बोला नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। कैसे गा रही हो आप, एकदम सेम टू सेम है आपका। और उस टाइम में बहुत जल्दी गा दिया था उन्होंने गाना। अच्छा, टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। बिल्कुल। तो वो जब गाना गाने आती है तब वो कैसे उनका बिहेवियर रहता है, वो किस तरीके से? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतना डाउन टू अर्थ है वो लोग कि कोई क्या बोले। अभी आपको इतना नाम है ना, वो लोग का इतना नाम है, आज इतना फैंस वो लोग के पीछे हैं, तभी भी ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग हम एकदम बड़े हैं जैसे करके कभी नहीं आते हैं। बहुत एकदम नॉर्मल हो के सर करके, बहुत बहुत अच्छे हैं वो लोग, हैबिट भी अच्छा है। बिल्कुल। और ऐसी क्या बातें हैं जो अरुणिता को उनके करियर में बहुत आगे बढ़ने में मदद कर सकती है? देखिए, सबसे पहली तो उनका बिहेवियर अच्छा, बहुत अच्छा है, वही चाहिए आदमी कला भी हो के। अब उनका बोलते हैं ना कि किसी को थोड़ा घमंड आ गया तो थोड़ा आगे बढ़ने के लिए मुश्किल होता है। जो रियल कलाकार होता है वो कभी घमंड नहीं करते हैं, बहुत नॉर्मल रहते हैं, वो लोग ऐसे ही हैं, कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ घमंड की नाम की चीज ही नहीं है, तो वही चीज आगे लेके जाएगा। टैलेंट तो रहता ही है, हर कोई मुंबई आते हैं तो टैलेंट लेके ही आते हैं, लेकिन ये सब हैबिट से भी बहुत काफी फर्क पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो पवन और अरुणिता की जब बात करते हैं तब लोगों को उनकी जोड़ी बहुत पसंद आती है, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि क्यों उनके गानों में
उनको इतना पसंद किया जाता होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन है और भी कई बातें हैं जो मैंने शिखर जी के साथ की है, अगले पार्ट में आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगी। लेकिन हाल फिलहाल तो ये बताइए कि वो जो अमृता के लिए कहते हैं, आप सहमत हैं उनसे और आपको कैसी लगी उनकी ये बातें? जय हिंद, जय नेपाल।